आदाब में हूं आपका दोस्त मोहम्मद जावेद और आप देख रहे हैं एएसजे न्यूज़। नाज़रीन मजलिस की नुमाइंदगी पर एमआरओ बहादुरपुरा की एक टीम ने संजय गांधी नगर पहुंचते हुए खुदकुशी करने वाले शख्स सैयद चांद के घर पर पहुंचकर सारी तफसीलात हासिल की। नाज़रीन इस सिलसिले में सदर मजलिस और रुकन असम्बली जनाब मौज़म खान साहब की हिदायत पर मुकामी एनएस कुंटा रुकन बल्दिया मिस्टर अब्दुल हन्नान जी ने आज इस सिलसिले में एमआरओ से नुमाइंदगी की थी और वहाँ की सारी टीम आज घर मुदौफ़ी के एक मकान पहुँचते हुए सारे तफसीलात इकट्ठा की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन बल्दिया जनाब अब्दुल हन्नान जी ने केसीआर हुकूमत से मुतालबा किया कि मरहूम के एक शख्स को जो लॉकडाउन के सबब माली हालात से मुश्किलात के सबब खुदकशी की, ऐसे इसके घर के एक फर्द को सरकारी नौकरी दी जाए और इसके लिए 15 दिन बाद तय शुदा उसकी लड़की की शादी के लिए शादी मुबारक स्कीम के तहत उसको दहेज के लिए माली तावुन दिया जाए। आइए नाज़रीन देखते हैं इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अब्दुल हन्नान जी ने क्या कुछ कहा, देखते हैं इस तफसीली रिपोर्ट में। गैर मनसूबाबंद तरीके के तवेल लॉकडाउन के ऐलान के सबब कई अफराद बेरोज़गारी के सबब फाकाकशी की नौबत उन पर आन पड़ी है। माली हालत से परेशान अफराद खुदकशी की तरफ मायल हो रहे हैं। ताज़ा वाक़े में पुराने शहर के इलाके संजय गांधी नगर के रहने वाले 42 साल शख्स सैयद चांद ने लॉकडाउन के सबब माली मुश्किल से इंतहाई इकदाम करते हुए छत से लटक कर खुदकशी कर ली। खुदकशी के इस वाक़े से मुकामी अफराद में अफसोस की लहर दौड़ गई। बहरहाल पुलिस फलकनुमा के हदूद में हुए इस वाक़े के कई अफराद ने शिद्दत से अपने अफसोस व गम का इजहार कर रहे हैं। इस दरमियान मजलिसी मुतालिका रुकन बल्दिया मिस्टर अब्दुल हन्नान ने रात देर गई सदर मजलिस की और मुतालिका रुकन असम्बली मिस्टर मौज़म खान साहब की हिदायत पर मुतवफ़ी के मकान पहुँचते हुए सारे इंतजाम किए और रुकन असम्बली को सारे वाक़े के असबाब से आगाह किया। इस मौके पर सदर मजलिस और रुकन असम्बली की हिदायत पर मुतालिका बहादुरपुरा एमआरओ को इस हल वाक़े से रुकन बल्दिया ने नुमाइंदगी पर एमआरओ बहादुरपुरा ने फौरन ओहदेदारों को मुतवफ़ी के मकान पहुंचाते हुए सैयद चांद के अफराद ख़ानदान को माली मदद का तयक़ुन दिया। बहरहाल नाज़रीन देखते रहिए एएसजे न्यूज़ और कीजिए सब्सक्राइब चीफ एडिटर मोहम्मद जावेद की ये रिपोर्ट। सब आज जो विजिट करें इसका क्या रीज़न था? ये एक्चुअल हम अन्नान साहब हमारे कॉरपोरेटर साहब हमारे एमआरओ साहब को कॉल करे कि सोच तो संजय गांधी नगर में एक सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया बोल के, उसकी वजह से एमआरओ साहब के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम स्पॉट पे आए, घर पे आए, जो इंक्वायरी जो डिटेल्स लेना था वो लोग ले लिए हम उनसे, ले लेकर सुसाइड का रीज़न मालूम करे, जो कि ये लोग को इन्फॉर्म करे कि लॉकडाउन की वजह से फाइनेंशियल इशूज़ की वजह से सुसाइड कर लिया बोल के मालूम हुआ पता चला और फर्दर इंस्ट्रक्शन हम रिपोर्ट तो दे देंगे एमआरओ साहब को जाके, उसके बाद जो एक्शन लेंगे इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म कर देंगे। हेलो सर, ये आज का जो जो सुसाइड हुआ तो खासतौर पे जो है लॉकडाउन के हिसाब से, तो इसके लिए जो है ना आपके अपील करें जो ना गवर्नमेंट से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। के रात में हमने सदर साहब सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को और हमारे हल्के बहादुरपुरे के एमएलए साहब को हमने इत्तला दे चुके थे कि ऐसा जो है यहाँ पे सैयद चांद बादशाह नाम का आदमी जो है लॉकडाउन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से जो है सुसाइड कर लिए थे बोलकर, तो साहब ने फौरन कहा कि इंस्ट्रक्शन दिए कि मुतालिका एमआरओ से बात कर कर उनको बुलाकर जो है तमाम यहाँ के वाक़ात को जो है रिकॉर्ड कराओ बोल के बोले और उनको जो है जो कुछ भी अगर नौकरी जो कुछ भी हो सकता मुमकिन इमदाद कराने के लिए सदर साहब और एमएलए साहब ने हिदायत दी थी, तो उसी बुनियाद पर मैंने एमआरओ साहब को रिप्रेजेंट किया और जो है एमआरओ साहब ने फौरन डिप्टी एमआरओ साहब को और वीआरओ को आरआई साहब को रेवेन्यू इंस्पेक्टर साहब को भेजकर तमाम तफसीलात लिए, उनको भी उनकी बीवी से तमाम लोगों से बात करें। आज हलम तो आज आप जाके रिपोर्ट देंगे, हम हुकूमत तेलंगाना से अपील करते हैं कि उनके लॉकडाउन की वजह से गैर मनसूब तरीके के लॉकडाउन की वजह से जो है जो शेख सैयद चांद साहब का जो इंतकाल हुआ है, हम मुतालबा करते हैं कि इनको फाइनेंशियल एड के वास्ते उनको कोई गवर्नमेंट के अंदर नौकरी दी जाए उनके उनकी बीवी को, ताकि उनके बच्चों की क्योंकि उनकी बच्ची की शादी भी 15 दिन में तय हो चुकी थी, लिहाजा एडवांस के अंदर क्योंकि शादी मुबारक स्कीम जो है शादी होने के बाद दी जाती है, कि हम एमआरओ साहब से और कलेक्टर साहब से मुतालबा करते हैं कि शादी जैसा तय हुई थी उसमें एडवांस में
शादी मुबारक स्कीम को सैंक्शन करवा कर उसके जो पैसे होते हैं पहले एडवांस में दिलाने का हम गवर्नमेंट से और कलेक्टर साहब से मुतालबा करते हैं।